सो आज जिन टॉपिक्स पे हम बात करने वाले हैं वो है एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन, और उसके पांच एरियाज कौन से होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन की विशेषताएं क्या होती हैं। हेलो दोस्तों, माई सेल्फ अभिषेक और मैं आपका ट्रेनर हूँ बीपीएस एकेडमी के इस चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं, आज हम दो टॉपिक्स पे बात करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन एंड इट्स फाइव एरिया एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। एडमिनिस्ट्रेशन इज द कैपेसिटी टू कोऑर्डिनेट मैनी एंड ऑफन कॉन्फ्लिक्टिंग सोशल एनर्जीज इन अ सिंगल ऑर्गेनिज्म सो एडरिटी दैट शैल ऑपरेट एज अ यूनिटी। प्रशासन कई और अक्सर संघर्षशील सामाजिक ऊर्जाओं को एक ही जीव में समन्वय करने की क्षमता है, इसलिए चतुराई यह है कि वे एकता के रूप में कार्य करेंगे। यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन का मतलब यह होता है कि जो सोसाइटी के अलग अलग फैक्टर्स हैं, जो अलग अलग चीजें हैं, उनको एक साथ लाके, जो कॉन्फ्लिक्टिंग है, जो एक साथ काम नहीं कर सकती है, उनको साथ में लाने की जो कला है उसको हम एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, ताकि वो सारे एक यूनिट होकर एक साथ होकर काम करें। जैसे कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो वह मार्केटिंग की टीम भी होती है, प्रोडक्शन की टीम भी होती है, तो वो सारे एक साथ कैसे काम करें उसको हम एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, अलग अलग तरह के लोगों को एक साथ इकट्ठा करके काम करवाना। अब ये एडमिनिस्ट्रेशन के डिफरेंट एरियाज कौन से होते हैं, तो वही हम आगे पढ़ते हैं कि डिफरेंट एरियाज कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहले होता है प्रोडक्शन, यानी कि कुछ प्रोड्यूस करना, कुछ बनाना, ये एक एरिया होता है एडमिनिस्ट्रेशन का। दूसरा होता है एश्योरिंग पब्लिक यूज, जो बनाया है वो पब्लिक के लिए यूजफुल हो, जनता उसका यूज करे, जनता के लिए कार्य काम 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 की चीज हो। फाइनेंस एंड अकाउंटिंग या पैसा मतलब मनी मैनेजमेंट, पैसे का प्रबंधन, पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ जाएगा, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है। पर्सनल, लोगों का अरेंजमेंट, लोगों को मैनेज करना, किसको कौन सा काम देना है, किसको कौन सी जॉब देनी है, किसको कितना इंक्रीमेंट देना है, किसको रखना है, किसको ट्रांसफर करना है, ये सारा पर्सनल मैनेजमेंट। और उसके बाद है कोऑर्डिनेशन, इन सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में समन्वय, एक साथ काम करें, ये एडमिनिस्ट्रेशन के एरियाज हो गए। इसके बाद हम बात करते हैं कि करेक्टरिस्टिक कौन सी होती है एडमिनिस्ट्रेशन की। तो एडमिनिस्ट्रेशन करेक्टरिस्टिक में आता है डिविजन ऑफ वर्क, सबसे पहले काम का डिविजन, काम का बंटवारा। कोऑर्डिनेशन, दो डिपार्टमेंट्स के बीच में, दो लोगों के बीच में समन्वय होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि कौन कब क्या करेगा। कॉमन ऑब्जेक्टिव, जितने भी डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं उन सबका कॉमन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, जितने भी लोग काम कर रहे हैं उन सबका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव या गोल होना चाहिए कि हम सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर कार्य कॉमन गोल को अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं, हमारा सबका मकसद एक है। कोऑपरेटिव रिलेशनशिप, एक दूसरे के साथ ऐसे संबंध होने चाहिए कि हम एक दूसरे के साथ सहयोग करें, ऐसे संबंध हो, एक डिपार्टमेंट एक इंसान दूसरे इंसान के साथ, एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय के साथ कोऑपरेट करे उसको काम को खत्म करने के लिए। वेल डिफाइंड अथॉरिटी रिलेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप, सबको क्लियरली पता होना चाहिए कि मेरा काम क्या है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और उसकी पावर्स क्या है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी तरह से डिफाइंड होना चाहिए। तो ये करेक्टरिस्टिक होती है एक ऑर्गेनाइजेशन की। थैंक यू वेरी मच, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम और अच्छे वीडियोज़ आपके लिए बना सकें। थैंक यू वेरी मच।